नमस्कार, समाचार क्यारी से प्रिया शर्मा सुबह के 10 बड़ी खबरों के साथ। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। कांग्रेस की इनेलो में सेंधमारी, अरोड़ा समेत 4 नेता शामिल। आचार संहिता लागू ठीक होने से पहले कांग्रेस ने इनेलो में सेंध लगाई है। रविवार को नई दिल्ली में कांग्रेस ने इनेलो के 4 नेताओं को पार्टी में किया शामिल। खट्टर ने कहा, असम की तरह राज्य में NRC लागू होगा। हुडा बोले, विदेशियों की पहचान सरकार का जिम्मा। बादली हल्के में घर घर पहुंचेगा प्लास्टिक कोना, मोदी जी को हाँ, संदेश युक्त कपड़े का थैला। कृषि व किसान कल्याण मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ ने गांव दरियापुर में स्वयं हरियाणा सरकार की उपलब्धियों की पुस्तिका व कपड़े का थैला घर घर किया वितरित। राजेश जून ने पूर्व CM भूपेंद्र हुडा का जन्मदिन लड्डू बांटकर धूमधाम से मनाया। राजेश जून बोले, भूपेंद्र हुडा व कुमारी शैलजा के कुशल नेतृत्व में बनेगी कांग्रेस की सरकार। खिलाड़ी हमारे सबसे बड़े सेलिब्रिटी, ऐसा कहना ओम प्रकाश धनखड़ का। कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ ने गांव सुरहेती में बॉक्सर साहिल को किया सम्मानित। झज्जर पुलिस द्वारा चलाया गया जागरूकता अभियान लगातार जारी। संशोधित यातायात नियमों व जुर्माने को लेकर लोगों को किया गया जागरूक। गुलाब का फूल देकर लोगों को नियमों का पालन करने के लिए प्रति किया प्रोत्साहित। तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत, एक दिन 1 करोड़ से अधिक अवार्ड राशि, 513 मामलों का निपटारा। जिला विविध सेवाएं प्राधिकरण की सचिव अंकिता शर्मा ने दी जानकारी। झज्जर में 2 बेंच, बहादुरगढ़ में 1 बेंच तथा स्थायी लोक अदालत ने पहुंचाई लोगों को राहत। क्रिकेटर कपिल देव होंगे हरियाणा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के पहले चांसलर। महिला डॉक्टर ने तेज रफ्तार कार से 2 बच्चियों को कुचला, 1 की मौत। हवन की राख विसर्जित कर रहे हैं 7 युवक, यमुना में डूबे, 1 को बचाया और 3 के शव निकाले, 3 की तलाश जारी।